अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आई हूँ एक मजेदार से ड्रिंक के साथ, जो कि है कैरी का शरबत। ये बहुत ही मजेदार, टेस्टी और हेल्दी होता है। ये स्पेशली गर्मियों में पिया जाता है, क्योंकि ये शरबत जो होता है गर्मी का तोड़ होता है। आप कहीं से भी आ रहे हैं, इस ड्रिंक को पिए और अपने आप को फ्रेश फील करें। तो चले फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ये लिया है आधा किलो कैरी, तो मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब मैं इसका छिलका जो है उसको रिमूव कर देती हूँ। अब इसे मैं कट करके इसके पीसेस तैयार कर लूंगी। यहाँ मैंने कैरी को स्लाइस करके रख दिया है। और यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और इसको हल्का सा मैं बॉईल करूंगी। यहाँ पानी हल्का सा बॉईल हो गया है। अब स्लाइस की हुई कैरी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो गए हैं, कैरी अच्छी तरीके से गल गई है, ये देखें। इसमें मैं बीच बीच में चम्मच भी चलाते रही हूँ, ये देखें। और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर दूंगी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें, अगर आपने ज्यादा मीठा पीना है तो आप इसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, इसका अच्छी तरीके से पेस्ट तैयार हो गया है। और अब मैं इसे छान लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके इसे हम अच्छी तरीके से छानेंगे। हाँ देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से छान लिया है और इसका जबरदस्त सा पेस्ट निकल आया है। अब मैं इसके अंदर कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगी, ग्रीन कलर का, ताकि इसका कलर और अच्छा बन जाए। फूड कलर ऐड करने के बाद इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। यहाँ मैंने एक जग ले लिया है, जग के अंदर मैं ऑलरेडी बर्फ डाल चुकी हूँ। मैं 2 ग्लास बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं 1 कप के करीब इस जग में पेस्ट डालूंगी और 1.5 ग्लास पानी डालूंगी ठंडा ठंडा। और अब मैं इसे एक कर लूंगी। और अब मैं इसे 1 ग्लास के अंदर डालूंगी। और अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा काला नमक ऐड करूंगी और इसे भी मिक्स कर लूंगी। और यहाँ मजेदार सा हमारा कैरी का शरबत तैयार है। मजेदार सा कैरी का शरबत हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी ये ड्रिंक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मजेदार सी रेसिपीज के साथ फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।